बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यार हो जाए तो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है। हर वक्त दिल मसरत से भरा रहता है और तबीयत पर एक सरूर की सी कैफियत तारी रहती है। इस जहनी कैफियत से तो आप ज़रूर वाकिफ होंगे, लेकिन साइंसदानों ने हैरत अंगेज इनकशाफ किया है कि प्यार का असर सिर्फ जहन पर ही नहीं होता, बल्कि ये आपकी जिस्मानी सेहत पर भी हैरान कन मस्बत असरात मरतब करता है। तहकीककारों ने एक हालिया तहकीक के बाद बताया है कि मोहब्बत में गिरफ्तार होना आपको बहुत सी परेशानियों से आज़ाद कर देता है और जहन को खुशी से भर देता है, मगर इसके मस्बत असरात सिर्फ जहन तक रही महदूद नहीं रहते, बल्कि ये ब्लड प्रेशर, दर्द और एलर्जी समेत कई तरह की बीमारियों से भी महफूज रहने में मदद करता है। बुनियादी तौर पर प्यार में मुबतला होने के बाद जिस्म में पैदा होने वाली नई मदाफ़ती क़ुव्वत आपके लिए जिस्मानी फ़ायदे का सबब बनती है। माहिरीन कहते हैं कि मोहब्बत में मुबतला होने वाले शख्स के जिस्म के 12 हिस्से गैर मामूली तौर पर सरगर्म हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न वर्जीनिया कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने हालिया तहकीक में मालूम किया है कि मोहब्बत का एहसास बेदार होते ही पहली मस्बत सरगर्मी 1 सेकेंड के 5वें हिस्से में हमारे दिमाग के अंदर शुरू हो जाती है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स की मकदार जिसमें बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में खुशी और इत्मीनान जैसे जज्बात पैदा होते हैं। इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो जाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो इसका एहसास भी कम हो जाता है और मुदाफ़त में इजाफे की वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन जैसे मसाइल का सामना करने की ताकत भी बढ़ जाती है। जब आपके दिमाग में मोहब्बत के जज्बात मौजन होते हैं तो दर्द का एहसास तकरीबन 40% कम हो जाता है। मोहब्बत का इजहार जिस्मानी तौर पर किया जाए तो इसके नतीजे में केमिकल हिस्टामिन की मकदार में कमी आ जाती है, जिसके बायस एलर्जी का खदशा कम हो जाता है, जबकि मोहब्बत के जिस्मानी इजहार की सूरत में कोलेस्ट्रोल का लेवल भी कम हो जाता है। इसी तरह कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल में कमी आने की वजह से इंसान इत्मीनान और खुशी के जज्बात में महसूस करता है। ब्लड प्रेशर में कमी आती है और दिल की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। मुख्तसर ये कि प्यार में मुबतला होना 100 तरह की जिस्मानी बीमारियों से आज़ाद होने के मुतरादिफ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।